मैं जानता हूं आप शास्त्रों का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या आपने अपनी जिंदगी में हर काम शास्त्रों के अनुसार किया है? क्या आप ये दावे के साथ कह सकेंगे? नहीं, आप नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जिस समय इन शास्त्रों की रचना हुई उस समय समाज की सच्चाइयां और थी, आज सच्चाइयां कुछ और है। इतने वर्षों में तुर्कियों, मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने हम पर राज करके हमें बहुत सी नई बातें सिखाई, हमें आईना दिखाया है, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों से हमें रूबरू कराया है, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानने का मौका दिया है। कुलकर्णी सरकार, आज हम बदलाव की उस दहलीज पर खड़े हैं जहां यदि हम आगे नहीं बढ़े तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और जानते हैं सबसे बड़ा बदलाव क्या है? अपने समाज की स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार और आजादी। अगर इस समाज में एक पुरुष को, एक विधुर को दूसरा तीसरा विवाह करने से कोई नहीं रोकता, तो फिर स्त्रियों पर यह रोक क्यों? अगर उत्तर नहीं दे सकते हैं तो अनुमति दीजिए मुझे और चीव को, ताकि हम विवाह कर सकें।